नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। मैं अमित आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है मुसाफिर अमित। मैं आज जिस जगह आया हूं वो है शीतला माता मंदिर। बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है जयपुर जिले का, जो कि चाकसू में स्थित है। जयपुर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर चाकसू है और यहीं पर ये मंदिर है। तो कुछ सीढ़ियां हमें चढ़नी पड़ेगी और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे शीतला माता के मंदिर में। कुछ रोचक बातें हैं इस मंदिर से जुड़ी हुई, वो मैं आपको बताऊंगा इसी व्लॉग में, तो बने रहिएगा अंत तक मेरे साथ। तो अब हम सीढ़ियों से मंदिर तक पहुंचने वाले हैं और बहुत ज्यादा सीढ़ियां नहीं है, जैसे कि इंद्रगढ़ माता जी या फिर रामगढ़ माता जी 12 की 750-800 सीढ़ियां जहां पर होती हैं। पीछे आप देखिए वहां तक हमें जाना है। तो जय माता दी करते रहिए और मंदिर की सीढ़ियां आपकी कब पूरी हो जाएंगी आपको पता भी नहीं लगेगा। बहुत अच्छी ये जगह है, कई सारी मूवीज की शूटिंग यहां पर हुई है, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये मंदिर का ऊपरी हिस्सा बिल्कुल आ चुका हूं मैं यहां पर, अब मैं आपको लेकर चलता हूं मंदिर के अंदर। ठीक है, तो शीतला माता का ये खूबसूरत मंदिर, राजस्थान में कुछ ही ऐसे मंदिर हैं और इसकी काफी सारी विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। चलते हैं मंदिर के अंदर। जी हाँ, तो मैं पहुंच चुका हूं मंदिर के मुख्य भाग में और पहाड़ी के ऊपर ये बसा हुआ मंदिर है। ये है माता जी का मंदिर है और इस तरफ चारों तरफ आपको देखने को मिलेगा पहाड़ी से खूबसूरत नजारा। तो पीछे की तरफ भी हम चलेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मंदिर की कुछ खास बातें बता देता हूं। लगभग 500 वर्ष पुराना यह मंदिर है और बताया जाता है कि जब जयपुर शहर की स्थापना हुई थी उस वक्त ये मंदिर का निर्माण भी हुआ था। जय सिंह जी जो राजा थे उस वक्त के, उन्होंने जयपुर की स्थापना की थी। और ये यहां पर देखें आप, बहुत खूबसूरत छतरी यहां पर बनी हुई है, बहुत ही अच्छी हवा आ रही है। हा हा हा, एकदम ठंडी हवा। तो माता जी के दर्शन मैं आपको कराऊंगा, उससे पहले मैं आपको, चलो लगे हाथ, अगर आपको नजर आओ तोते यहां पर बैठे हैं, उड़ जाएंगे, मैं नजदीक जाऊंगा तो क्या बात है, अभी तक नहीं उड़े, उड़ गए। हाँ, तो मैं आपको कुछ खास बात बता रहा था इस मंदिर के बारे में। 5 मूवीज की यहाँ पर शूटिंग हुई है जितना मुझे मालूम है, अभी और भी हुई हो ये पता नहीं। 1972 जो मूवी आई थी राजेंद्र कुमार की, काला और गोरा, जिसमें वो दोनों भाई रहते हैं, काला और एक गोरा, मूवी आप देख सकते हैं। उसके बाद में 1982 में राजकुमार, राजेश खन्ना और जितेंद्र की मूवी थी धर्म काटा, वो आई थी, उसकी भी शूटिंग हुई है। इसके बाद 1989 एलाने जंग, हमारे सुपरस्टार धर्म जी यानी कि धर्मेंद्र की मूवी थी। 1991 बंजारन एक मूवी थी, ऋषि कपूर और श्रीदेवी, उसकी भी शूटिंग यहां पर हुई है। और अगर आपको नजर आ रहा हो मेरे पीछे ये सीढ़ियां, अगर आपको दिखाई दे रही हो ये जो सीढ़ियां, अभी ये हिस्सा बंद है, लेकिन यहां से मूवी का एक सीन था, ऋषि कपूर वहां से आते हैं और मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो उसकी भी शूटिंग हुई। इसके बाद एक और मूवी 1997 में आई थी इतिहास, अजय देवगन की, उसकी भी शूटिंग यहां पर हुई थी। अमरीश पुरी भी उस मूवी में थे और ये जो पूरा गांव है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है भाई मुझे तो यहां से नजारा। गांव का नाम भी आप देखें शीतला। तो चैत्र आप जानते हैं महीना फागुन के बाद आता है और उस समय यहां पर सप्तमी और अष्टमी 2 दिन मेला लगता है
और श्रद्धालु इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। मैंने लोकल जो लोग थे उनसे पूछा कि हाईवे पर इधर से आने वाले जो भी वाहन बंद कर दिए, डाइवर्ट करना पड़ता है, और बहुत हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं। दो दिनों को मेला लगता है, लेकिन अभी कोविड की वजह से वो चीज इस साल हो नहीं पाई। तो जो भी लोग अगर जयपुर जाते हैं या आसपास, तो प्लीज चाकसू में ये जगह है, शीतला माता का मंदिर, बहुत ही श्रद्धा है इस मंदिर की। एक और रोचक बात बताता हूँ मैं आपको, ये आपको चट्टाने दिख रही होंगी, ठीक है, और इन चट्टानों की और इन पत्थरों की भी एक खास बात है। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि इन पत्थरों को भी पूजा जाता है, और जो लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ से पत्थर लेकर जाते हैं और अपने घरों में बिल्कुल भगवान की तरह, यानी कि माता के रूप में उनको पूजा करते हैं। तो हर एक पत्थर यहाँ पर आप बोल सकते हैं पूजा के योग्य है। तो मैं आया था यहाँ पर चाकसू, तो मैंने सोचा कि अगर यहाँ नहीं जाएंगे तो फिर सफर हमारा अधूरा रह जाएगा। तो शीतला माता मंदिर पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है मंदिर है, और बहुत ही ठंडी हवा आ रही है इस वक्त, लोग अभी उतने नहीं हैं, लेकिन होंगे जरूर, और जो भी माता के भक्त हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। अब मैं आपको माता के दर्शन करवाता हूँ मेरे वीडियो के माध्यम से। जी हाँ, तो मंदिर जो जिसके लिए मैं आया हूँ, शीतला माता मंदिर, माता जी के दर्शन अब आपको करवाता हूँ मैं। ये है वो प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर, पुजारी जी भी यहाँ पर हैं। मैं आपको और करीब से दिखा देता हूँ, और जो पत्थरों की मैं बात कर रहा था आपसे, पत्थरों की भी एक विशेषता है, यहाँ जो भी पत्थर लेकर जाते हैं, चाहे और मैंने सुना है पंडित जी यहाँ पर पत्थर भी लोग लेकर जाते हैं और पूजा करते हैं, है ना? पत्थर नहीं लेकर जाते हैं, अच्छा इसी प्रकार मिल जाते हैं कोई पहाड़ी में ढूंढने, इसीलिए उनकी पूजा होती है। चलिए, तो ये शीतला माता मंदिर हम यहाँ पर आए हैं, आज हमारा सौभाग्य था कि माता के दर्शन यहाँ पर हमें प्राप्त हुए। तो मैं आपका एक राउंड लगवाता हूँ यहाँ पर, जैसे कि बाकी लोग भी परिक्रमा करते हैं। और एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया कि अगर किसी को, जिसे हम आम भाषा में माता आना कहते हैं, चेचक अगर आपको है, तो वो समस्या भी आपकी यहाँ पर दूर हो जाएगी बिल्कुल। आप यहाँ पर आए, और कई सारे लोग जो यहाँ पर आते हैं वो इस उद्देश्य के लिए भी आते हैं, तो बिल्कुल आपका ये रोग दूर हो जाएगा। माँ शीतला इसके लिए जानी जाती हैं, रोगों की देवी इनको कहा जाता है। तो कैसा लगा आपको ये मंदिर, कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे। बहुत ही अच्छी जगह ये बना हुआ है, जयपुर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और चाकसू से लगभग 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर शीतला गांव आपको मिलेगा, और शीतला माता के नाम पर ही वो गांव का नाम भी है। ठीक है, अब वीडियो को एंड करने का वक्त आ गया है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कुछ ना कुछ देश के लिए करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय माता दी।